So all that my friends, welcome to my YouTube channel. This is Arash Shamrais. आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. ओके जी, आज है जुम्मा और आज नमाज पढ़ने जाऊंगा. इस टाइम बज रहे एक और नमाज है तकरीबन 2 बजे स्टार्ट. अभी उठाऊँ और नहाऊंगा धोऊंगा कपड़े निकालूंगा उसके बाद नाश्ता करूंगा और फिर जाऊंगा नमाज़ पढ़ने के लिए. तो थोड़ा सा ना लेट हो चुका हूँ देखा जाए तो, और नींद अभी मेरी पूरी नहीं हुई है. आज सोचा है कि शलवार कमीज़ पहने, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जुम्मे के दिन ट्राउज़र या फिर पैंट शर्ट पहन के या टी शर्ट पहन के नमाज़ पढ़ लेते हैं. आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं शलवार कमीज़ पहनूँ तो आज ये वाला पहनेंगे. ये भी हमारे पुराने जो टेलर हैं आसिफ भाई, हमने उनसे ही सिलवाया है और इस पर हमने एक मोनोग्राम लगवाया था. जो कि मेरे पास बाकी जितने मेरे डिज़ाइन थे कुर्तों के, तो उसमें मुझे सबसे ना मतलब एंड वाला जो डिज़ाइन था वो ये वाला लगा था और इसमें ये वाला मोनोग्राम था. बाकी इससे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सीए थे, बट मतलब बोलते हैं ना सबसे नीचे वाला जो डिज़ाइन आपको समझ आया था वो ये वाला समझ आया था. बस मुझे इसका कलर अच्छा लगा था, बाकी ये कि ये डिज़ाइन ना उसने रेड कलर का जो कंट्रास्ट मार दिया था ना, ये मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया था. पजामा है, स्ट्रेट पजामा. ये भी जब उसने सिया था तो जो मेरे बाकी जितने पजामा था ना जो फिट होते थे बिल्कुल नैरो बन जाता था, तो वो वाला सीन इसमें थोड़ा कम है. तो इसीलिए शायद ना मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया. तो ये है कि आपको, हाँ अगर आप में से किसी को अगर सिलवाने हो कुछ भी पजामा वगैरह, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यारों ने मुझे बोला था, तो आसिफ है तारिक रोड पे होती है उसकी शॉप, डॉलमेन सेंटर 3rd फ्लोर पे. तो आप में से अगर किसी को भी सिलवाना हो तो पहुँचो आसिफ भाई के पास. तो ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि आपका भाई लक कैसा रहा है. मैं सच बताऊँ तो मैं जब कपड़े निकाले ना उसके बाद लाइट चली गई थी. मैंने कहा यार ट्राउज़र वापसी पहन लेता हूँ, उसके बाद जो है ना लाइट आ गई और फिर जाके वापसी अपनी ड्रेसिंग कर ली. अब जा रहा हूँ सीधा उसामा के पास और वहाँ पर मैं गाड़ी खड़ी करूँगा, उसके बाद बाइक लेके जाऊँगा, क्योंकि यार इतना रोड ख़राब हो चुका है कि बिल्कुल भी ना गाड़ी वहाँ पर लेके नहीं जा सकता मैं. सो आगे उसामा है, उसामा को मैंने बता दिया कि बाइक लेकर आ जाइए भाई, क्योंकि देर हो चुकी है ऑलमोस्ट, हमारे 2 बजने वाले, 5 मिनट रह गए आगे सिग्नल का वेट कर रहा हूँ. आगे सिग्नल बंद है तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी में जब हम होते हैं ना तो हमें सिग्नल फॉलो करना पड़ता है, बाइक पे जब होते हैं टू बी ऑनेस्ट सच्चा व्लॉग बन रहा है तो सिग्नल फॉलो नहीं हो रहा होता इधर का, क्योंकि यहाँ पर बाइक वाले देख लो ये जा रहे हैं सब, मतलब कोई भी ना यहाँ पर आपको रुकता हुआ नज़र नहीं आएगा. तो हम भी जब बाइक पर होते हैं तो लोगों के साथ ना आवाम के साथ आवाम बन जाते हैं हम भी, और बोलते हैं ना एक गंदी मछली यहाँ पर एक नहीं होती है बहुत सारी होती है, तो हम भी उस मछली के अंदर निकल जाते हैं. बहरहाल आगे हम जा रहे हैं, यहाँ पर जोर चोरंगी पे खड़ा हूँ, आगे यहाँ पर जाऊँगा दारू शेद की तरफ और यहीं पर ही बैक साइड पे मस्जिद है, हम हमेशा यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं. रमज़ान होते हैं तो तरावी भी हम लोग इधर ही पढ़ते हैं दारू शेद वाली मस्जिद में. मैं इन खड्डे और इन पानी की बात कर रहा था, इसी तरह आगे है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए गाड़ी लेके नहीं जा सकते, गाड़ी की बहुत हालत बुरी हो जाती है अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं. हेलो आ जा बाहर आ जा. यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ और ये सामने जो आपको घर नज़र आ रही है उसामा का है, इसके साथ नमाज़ पढ़ने आया था और जिसका मैं आपको बता रहा था निकनेम. अबे तेरा साल मेरा मोबाइल में निकनेम रखा हुआ था तो ये पूछ रहे थे निकनेम का राज क्या है, तो मैं इनको जाके बताऊँगा राज क्या है. मैं तो ये सिर्फ ये देख रहा हूँ गाड़ी खड़ी है वो विजन नहीं से बराबर में वो गाड़ी उसामा की है, बेसिकली ये पार्किंग जो है ना ये सामा के घर वालों की है. सो मैंने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो सामा के जो घर वाले उन्होंने गाड़ी वहाँ पीछे जाके खड़ी कर दी, तो उस चक्कर में मुझे गाड़ी हटानी पड़ रही है. जब दो दो गाड़ी, एक गाड़ी तेरे पास है, दोनों गाड़ी उठा के क्या करेंगे? नहीं आप मुझे बताओ, इस गाड़ी की मजबूरी तुझे पता है? नहीं नहीं बहुत अच्छी गाड़ी, इस गाड़ी की सारी मजबूरी है इसको पता है. रईस भाई ने अलाउ कर दिया, रईस भाई ने आप फुल इंप्रूवमेंट दे दिया. ये गाड़ी मेरी है पर चाबी मेरे अब्बा के पास होती है, पर इसके पास जो गाड़ी है वो उसकी है, चाबी इसके भाई के पास होती है, इसके पास होती है, दो चाबियां होती है, मतलब इसके पास पेट्रोल महंगा हो गया आज के प्रॉब्लम अब आपको पता चल गई क्या है. सही है, अब बात ये आती है, मैंने उस दिन बोला क्या बोला था याद है? बाहर जाते हैं हम लोग, दो गाड़ी निकालते हैं बोला था. ये वाला व्लॉग मैं सबको दिखा दूंगा कल गाड़ी निकाल ले उसामा, पेट्रोल गाड़ी कल मैं फ्री नहीं हूँ, कल परसों फ्री नहीं हूँ, मैं तुझे बोल तो रहा हूँ कल परसों मुझे इतना काम है. बाकी चलो तुझे बता दिया सारी चीज, पियो आगे सिगरेट पियो तुम फिर निकलो. मुझे पता था ये सारा चीज होने वाला है. बिरयानी खिलाया भाई मैंने, इसको मेंशन किया था कि भाई मैं सैटरडे संडे बहुत बिजी हूं,
बिरयानी खिला। और बिरयानी मैं कल ही नसीब से ना कम से कम आधा किलो खा के आया हूँ, चार लौट गया। पैसे बिल्कुल नहीं लाया, वॉलेट नहीं लाया। मैं भी नहीं लाया, देख तू देख ले, मैंने मना नहीं किया, कुछ भी नहीं है, मैं मना नहीं करता। वॉलेट लाया ही नहीं, इधर उधर पड़ा होगा डैशबोर्ड वाला, देख ले कसम से खा ली बस। अच्छा ये हरकतें कर लगा, तू बिरयानी खिला देगा, तू शायद पुराने वाला सामा है और तू तो नई हरकतें कर रहा है। शादी के इरादे चेंज हो गए और ये बिल्कुल भी नहीं खिला रहा बिरयानी, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं जबकि नाश्ता करके निकला हूँ पर नाश्ता भी मैंने सही से नहीं करा है। सो ये गए मैं भाई साहब सिगरेट पीने के लिए, जो कि स्मोकिंग के, और आपका भाई अब नहीं पीता, पहले क्या बोल रहा हूँ क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सिगरेट पीने गया है वो। ये जब भी कैमरे को देखता है ना अपनी जबान निकाल लेता, तो आज चेक करता हूँ उसको। अप्पा सो इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन 5 और मैं आ चुका हूँ ऊपर, नींद पूरी नहीं हुई है जो बात है। और जहाँ तक आप लोग बोलोगे कि इसने शलवार कमीज से पैंट शर्ट पे आ गया, तो यार सच बताऊँ ना तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल वाली फील होती है ना, कि वो हो रहा था कि बिल्कुल शलवार कमीज में ना मज़ा ही नहीं आ रहा था। सो मैंने डिसाइड करा कि नहीं यार ये वाली शलवार कमीज उतार के पैंट शर्ट पहननी है, क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में होऊंगा तो मुझे पता है कि मैं पूरा दिन अगर अनकंफर्टेबल रहा ना तो मज़ा नहीं आएगा। सो इसीलिए जो है ना ये पैंट शर्ट वाला आइडिया मेरा था। सो अभी बज रहे 5 और नींद पूरी वैसे नहीं हुई है, असर की नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं चाय पीऊँगा, क्योंकि चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शाम को जब भी नींद आ रही होती है चाय पी के अपनी नींद भगाता हूँ। और सच बताऊँ तो आपका भाई चाय का बहुत कॉफ़ी की आदत बन चुकी थी मेरी, अभी वापस से छूट गई है। बेटर है कॉफ़ी, बेटर है चाय से, बेटर है कॉफ़ी, बट आदत लग चुकी है, बहुत मुश्किल है इसको भी दूर करना। दो तीन चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में मुझे ऐड करनी थी। नोमी मेरा हेयर सलून मुझे कब से बोल रहा है कि मेरे भाई की नई शॉप है, आप वहाँ पर आके एक पूरा व्लॉग बनाओ और थोड़ी सी प्रमोशन चाहिए उसके भाई की। सो कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो मेरे हेयर कट हो चुके हैं बड़े, और कैमरे में शायद आप लोगों को सही से नहीं लग रहा हो बट ये बहुत बुरा हाल हो चुका है, बाल बहुत बड़े हो चुके हैं। खुलिया ऐसा है कि अभी फेशियल वगैरह और हेयर कट वगैरह करनी है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उसके भाई की शॉप पे चले आऊँ और वहीं जाने के बाद एक व्लॉग भी रेडी हो जाएगा, और वो अपनी जो शॉप को दिखाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगी। कोशिश है मेरी इस व्लॉग में, नहीं तो अगले व्लॉग में, उससे अगले व्लॉग में आप लोगों को वो चीज़ लाजमी दिखाऊँ। मेरे व्लॉग में गालियाँ नहीं होती हैं नोमी, मेरे बोला मेरे व्लॉग में गालियाँ नहीं होती हैं, मैं इसमें बता रहा हूँ। नहीं नहीं ये आ रहा है, ये लाइव है, सब अच्छा आएगा। नोमी लाइव ऐसा दिखता है, मुँह सही नहीं करेगा, ऐसे ही आएगा भाई। नोमी भाई के भाई की शॉप है, मेरे पे ड्यू है, वहाँ पर मुझे जाके व्लॉग बनाना है, पर मेरी एक शर्त है, मैं अपनी हेयर कट वहीं से करवाऊँगा फिर। हाँ कराओ, डन हो गया, सही है मेरा। अब चलो फिर एक काम करता हूँ, मैं आज हेयर कट करवाते ही नहीं, सही है, पीर के दिन वहाँ जाके मैं हेयर कट करवाऊँगा। आज मैं सिर्फ ये सेट करवा लेता हूँ, क्योंकि कोशिश करेंगे शायद जुनेद के वली में, जुनेद के भाई के वली में भी चले हैं। अच्छा तरक्की हो गई है, शेड भी लग गई है। चल इस टाइम मैंने मशीन नहीं लगवाई है साइडों से, मैंने सिर्फ सीजर से अपना हेयर कट करवाया है। सो थोड़ा सा डार्क स्टाइल रहने दिया है, मुश्किल से 15 मिनट लेते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते। हाँ मम्मी भाई क्या बोल रहे थे आप? यार ये मैं आपको बताना चाहता हूँ फटाफट से ना, 2 मिनट आपके नौमी भाई के सारे ये वर्कर हैं, मतलब वर्कर के हमारे सारे भाई हैं, ये होगा इनसे तो मैंने अपने सारी याद है। हम हमारे ब्लॉग में एक दिन हम छत पे आए थे, छत पे हमारा ब्लॉग बना था, तो हमने इनसे काम करवाया था, तो ये थे। शुएब कहाँ है? शुएब बाहर है, ये रहे दूसरे। नौमी नौमी चाहता था कि हम इनको सबको वीडियो में ले लें, पर नौमी मुझे नहीं लगता ये तो चाह रहा है ये बोल सकेंगे, ये विजय ही बोलने थे जो बोल रहा हूँ। सही है। चलो अभी तो हम हो चुके हैं रेडी, अब हमारे बहनों ही आ रहे हैं, वो भी बाल कटवाएंगे और अब कैमरा रखते हैं, यहाँ से अब जाएंगे अब जुनेद की भाई की शादी में, और एक और काम है वो करेंगे। सो गाड़ी आने वाली है, गाड़ी में जाना है, अब मोबाइल
कैमरा लेकर आए थे बाइक पे, सो अब जाऊंगा, अब गाड़ी आ रही है, गाड़ी में जाना है। राजा जनरल स्टोर वाले इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लो, कितने साल हो गए यहाँ पर आओगे ना नौमी, सबसे इंटरव्यू सबसे बोलेगा एक एक इंडिविजुअल बंदे से इंटरव्यू लेते रहो बस। हाँ तो एक्सपीरियंस है ना, मतलब कितना साल हो गए। अच्छा नोमी को ना मैंने एक आइडिया दे रहा था कि यार अपनी जो है शॉप की जो लोकेशन है ना, क्योंकि बहुत सारे आप लोग जिस तरह कमेंट्स करके पूछते रहते हो ना कि लोकेशन बताओ, अब मुझे ब्लॉक 19 बतानी पड़ती है बस। तो नोमी को मैं आइडिया दे रहा था कि गूगल में ना आप एक काम करो कि अपनी लोकेशन डाल लो और कोई भी मैं आपसे लोकेशन मांगे सो आप डायरेक्ट लोकेशन दो तो यहाँ तक पहुँच जाए। तो उसको आइडिया दिया, अब लेट सी ये करता ही नहीं करता। माना कि हमारा ब्लॉग खत्म हो रहा था, हमारे ब्लॉग के साथ साथ शादी भी खत्म हो गई। बहुत अफसोस है। और ये जो लोग हैं ना, ये देख, बहुत अफसोस की बात है कि तुम खत बनवाने गए हो, तुम्हारा खत अभी तक बना नहीं और अभी आ नहीं रहे। नौमी नौमी गवाह है कि मैं तैयार होने गया था, मैंने तैयार होने गया था तो ऐसे ही आया था, हम भी ऐसे ही खड़े हैं। तुझे पता है मैं जो है ना 8 बजे से तैयार था और एक बंदा जो है ना सुबह से तैयार था। शादी का आगे चला गया बेचारा, मैं एक बंदा जो है ना सुबह से तैयार था। एक बंदा सुबह से तैयार था। क्या हमारे दूल्हे में आए? बहुत हम सोच रहे थे हमने शायद इनको मिस कर दिया और चले गए। उसने तो बता रहा था आप चले गए। मैं अभी तक नहीं गया, मेरी बेगम यहीं पर ही, अभी लेके आता हूँ मैं तुम्हारे। झूठ बोल रहा था जुनेद यानी। अरे नहीं, मैं समझ मैं झूठ नहीं बोलता। ये भाई साहब की तो नाइट ड्यूटी थी और आज हफ्ते का दिन की नाइट ड्यूटी थी। नहीं नहीं, मैंने टाइम निकाल के मैं आया था, पता जल्दी आया था मैं नौमी के बाद गया शेर बनाने के। ये देखो ये जल्दी आया था, अब देखो ना ये तो जल्दी खत्म हो गया है, ये तो जल्दी खत्म हो गया। पर यार ये हमारे दूल्हे में है, बस फाइनली खत्म। पर हमको जलपाल कोई बात नहीं।